मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि अभी सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग है, अभी सनराइज भी नहीं हुआ है, तो हम लोग बहुत जल्दी आज निकले क्योंकि हमेशा हम अब जब निकल रहे हैं ना तो धूप हो जाती है और बच्चों का स्कूल रहता है, तो उनको स्कूल छोड़ने के बाद ही हमारा निकलना हो पाता है मॉर्निंग वॉक में, नेचर वॉक में। पर आज छुट्टी है तो हमने कहा कि आज थोड़ा जल्दी निकल के देखते हैं। किसी बर्ड का पंख ऐसे गोल गोल करके नीचे गिरा। हाँ, ये अभी अभी सुबह सुबह तो बुलबुल ही रहेंगी। एक अंदर घुसी है यहाँ पर पेड़ में कहीं पर। अभी थोड़ा और धूप उजाला आएगा ना तो फिर ये सारे फ्लॉक में दिखाई देंगी। मैंने कहीं पर पढ़ा हुआ था कि बुलबुल 100 से भी ऊपर वेरिएशंस में बोल सकती है बुलबुल। हाँ। सच में हाँ, वो ना अलग अलग टाइप की आवाजें निकालती है। सुबह सुबह जो हम जो मीठी मीठी आवाज सुनते हैं ना, ये छोटी छोटी सी जो साउंड सुनते हैं वो बुलबुल। हाँ, चर्पिंग साउंड होती है ना। चिड़िया चिड़िया तो है ही, लेकिन वो बुलबुल की रहती है और वो अलग अलग तरह से बोलती है। तो मेरे हस्बैंड अभी बोल रहे थे तुम भी तो बुलबुल ही हो। एक्चुअली मैं नहीं, सारी दुनिया की सारी लेडीज ही बुलबुल हैं, जो लड़कियां हैं है ना, उनके अलग अलग स्वर आपको सुनाई देंगे, कभी गुस्से वाले, कभी प्यार वाले, तकरार वाले। तो अच्छा है, थैंक यू। अब मैं तो इसको कॉम्प्लीमेंट के रूप में ले रही हूँ, ऐसे सभी करें तो अच्छा है। ये भी कुछ कम नहीं है, इनको भी नाइट एंगल कहा जाता है बुलबुल को। कितना प्यारा बोलती है, देखिए। नमस्कार। ये देखिए एक ही बार में ये कितनी तरह की आवाजें निकाल रही है। तो हम अभी बुलबुल्स को देख रहे थे, उनकी आवाज़ सुन रहे थे, बहुत मीठा बोलती हैं। इनको नाइटिंगेल भी बोला जाता है, अलग अलग तरह से अलग अलग सुर में नोट्स में बोलती हैं। अराउंड 17 स्पीशीज़ इनकी पाई जाती हैं, अलग अलग तरह की होती हैं। तो इनके पहचानने का तरीका, बुलबुल्स को पहचानने का तरीका एक ही होता है कि इनका जो हेड होता है वो ब्लैक होता है, हुडेड होता है, थोड़ा उठा हुआ होता है, और इनके टेल के पीछे बैक में एक रेड या येलो कलर का पैच होता है। और जो मेल और फीमेल होती हैं ये बहुत आइडेंटिकल लगती हैं, एक सी लगती हैं। बस फ़र्क इतना है कि जो मेल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसका सर भी थोड़ा बड़ा होता है, और उसका जो रेड पार्ट होता है, पैच होता है, वो फ्लेम के जैसे दिखता है, फ्लेम के जैसा दिखता है। और जो फीमेल होती है वो छोटी होती है साइज़ में, और सर का पार्ट थोड़ा नीचे होता है, और इनका जो पैच होता है टेल का वो कर्व्ड रहता है, वी टाइप में रहता है, ठीक है। और बाकी तो सेम ही है, भले ही दिखती हमको फ्लॉक्स में ऐसे 15 20 24 के ग्रुप में दिखती हैं, लेकिन वो एक ही पार्टनर के साथ अपना लाइफ स्पेंड करती हैं। और एक बहुत ख़ास बात है कि ये अपना घोंसला जो रहता है वो बहुत नीट एंड क्लीन, एकदम कप शेप्ड का राउंड घोंसला बनाती हैं, एकदम बारीक तरह से वो तिनकों से ऐसे उसको घुमा घुमा के, जैसे जो प्रॉपर हम बर्ड का नेस्ट देखते हैं ना वैसा रहता है, बहुत नीट एंड क्लीन रखती हैं। मतलब यदि इनके बच्चे भी उसमें बीट करते हैं तो या तो उसको खा लेती हैं या अलग कर देती है, तो खुद ही साफ़ सफाई करती रहती है। तो बहुत ही साफ़ सुथरी सी बर्ड्स हैं, प्यारी सी बुलबुल। मंगूस भागा है ना, अंदर अंदर एकदम मंगूस भागा। तो बिल्ली रास्ता काटती है ना, तो यहाँ हमारा रास्ता नेवला काटते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी निकलते हैं, रास्ता कटे या ना कटे हम तो अपना रास्ता चलते रहेंगे, अपना आगे बढ़ते रहेंगे आपको साथ में लेते हुए। तो हमसे जुड़े रहिए, ठीक है, ध्यान रखिए अपना, और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में कुछ अलग नया दिखाते हुए। तो टेक केयर, बी हैप्पी एंड बी नेचुरल्स।